हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैटकेएम क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी ग्रुप थ्योरी चैप्टर को। और जो लोग नए हैं इस वीडियो में, पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं, तो उनको बता दूं कि ये आपका ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो पहले उन लेक्चर को देख कर आइए। और जितने भी लोग हैं, होपफुली आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना करना अलग बात है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम में से कई लोगों को आदत होती है कि वीडियोस लगातार देखते रहते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे बस इतनी सी ही मदद की जरूरत है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी ग्रुप थ्योरी को आगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बातें हमारी कहां तक हुई थी, हमारी बातें हुई थी SN इंप्रॉपर रोटेशनल एक्सिस की बात हो रही थी, और SN जब हमारा क्या था, इवन था। तो SN जब हमारा इवन था भाई, तो उस केस में हम लोगों ने पढ़ा था, उस केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहां पर बेसिकली जो आपका CN होता है और जो इसके परपेंडिकुलर सिग्मा होता है, ये दोनों के दोनों एज अ इंडिविजुअल, एज अ इंडिपेंडेंट सिमेट्री ऑपरेशंस होना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कहीं पर ये होते हैं और कहीं पर ये नहीं होते हैं, ऐसी दो बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसके अलावा ये बात भी देखी थी, जब ये SN नंबर जो आपका इवन होगा, तो इस केस में CN/2 का होना बिल्कुल जरूरी था, इट विल बी अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर सिमेट्री ऑपरेशन CN/2 प्रेजेंट होगा, तो वहां पर आपका SN हो सकता है। ठीक है, मतलब इसके साथ इसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके साथ इसका होना बिल्कुल जरूरी है। जब भी आपके पास कहीं पर मान लो जो S3 दिख रहा है, C3 दिख रहा है, तो C3 के साथ S6 हो सकता है, लेकिन S6 के साथ C3 जरूर होगा। ये कुछ हम लोगों ने स्टेटमेंट वाइज स्टडी करी थी अपने ग्रुप थ्योरी चैप्टर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों, जो अगला केस है जो मैंने आपको काम दिया था, होपफुली आप करके भी आए होंगे क्या, कि अगर SN में, अगर ये जो SN है, N में अगर ये नंबर कैसा होगा आपका, ऑड हो। और भाई अगर n नंबर आपका ऑड होगा, तो इसके लिए हम सीधा सा एग्जांपल उठाते हैं, और एग्जांपल उठाकर ही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है, तो दो केस लेते हैं, एक लेते हैं S3 का और लेते हैं S5 का, दोनों ऑड होते हैं, और वहां पे हम अपनी बात को क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट यहां पर दे सकते हैं। उससे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं कि SN वाले केस में, SN अगर n नंबर आपका ऑड है, तो उस केस में आपका CN और उसके साथ जो परपेंडिकुलर सिग्मा है, ये दोनों के दोनों एज अ इंडिविजुअल सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, ऐसा होता ही होता है हमेशा। ठीक है, दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट कह सकते हो, या फिर इसका कॉन्सिक्वेंस कह सकते हो, ऐसा होता ही होता है, ऐसा हर जगह देखा और पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, यहां पर ये दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं हमने, मैंने आपके सामने BF3 मॉलिक्यूल बना दिया। कौन सा मॉलिक्यूल हमने बना दिया, BF3 मॉलिक्यूल बना दिया। तो BF3 मॉलिक्यूल अगर आपके सामने बना दिया गया है, तो इस केस में बेसिकली क्या करिए, आपको पता है कि यहां से अगर आप पहले मॉलिक्यूल में C3 डालेंगे, मॉलिक्यूल में क्या डालेंगे, C3 डालेंगे, C3 डालने से क्या होगा बेसिकली, यहां पर ये देखिए, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। ठीक है, और बेसिकली सेकंड केस क्या है, सेकेंड केस ने यहां पर नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, तो यहां पर हो जाएगा 3 1 2। ठीक है, अब इसके बाद जब इसमें परपेंडिकुलर सिग्मा डालेंगे, आप क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर सिग्मा प्लेन डालेंगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेसिकली एटम से एक दूसरे में उसी प्लेन से कट हो जाएंगे। तो बेसिकली यहां पर क्या आएगा आपका, ये बोरॉन एटम आएगा, ये आया आपका फ्लोरीन एटम, ये फ्लोरीन एटम, ये फ्लोरीन एटम, और बेसिकली क्या हुआ 1 2 3। तो इस ऑपरेशन को आप क्या बोलोगे, इस ऑपरेशन को बोलोगे आप, इस ऑपरेशन को बोलोगे आप बेसिकली क्या, S3 ऑपरेशन बोलोगे। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से क्या देख रहे हो, कि यहां पर ये जो C3 ऑपरेशन है, देखो इस मॉलिक्यूल में ये स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल का, ये जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, और ये जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, स्ट्रक्चर 1, फिर से नंबरिंग कर देते हैं, इसका स्ट्रक्चर नंबर 1, इसका ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है, इसका नंबर स्ट्रक्चर नंबर क्या है 2, और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर 3। तो आप यहां पर देख के बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि आपका स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 ये क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं,
सिमेट्रिक टाइप के स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, क्या है बिल्कुल, इनमें ऐसा कुछ चेंजमेंट नहीं हो रहा मॉलिक्यूल में, मतलब कि ये दोनों के आइडेंटिकल नहीं है लेकिन दोनों क्या है इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वन से टू में जो ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है वो एक सिमेट्री ऑपरेशन है, इसका मतलब है हेयर सी थ्री इज प्रेजेंट एज अ सिमेट्री ऑपरेशन। अब जरा सेकेंड और थर्ड को देखो, तो सेकेंड थर्ड भी बेसिकली क्या है एक दूसरे के, सेकेंड एंड थर्ड आर ऑल्सो इक्विवेलेंट, इट मीन्स दैट सिग्मा प्लेन इज ऑल्सो इन सिमेट्री ऑपरेशन इंडिविजुअली प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ अगला एक और देख लीजिए। ये तो हमने एक एग्जांपल देखा ना कि दोनों प्रेजेंट हैं, इसका एक और एग्जांपल देकर देख लीजिए जो कि आपका साइक्लोपेंटाडाइएनायन, ये साइक्लोपेंटाडाइएनायन है जो आपका बेसिकली सीपी जिसको कहते हैं। इस सीपी मॉलिक्यूल में आपको पता है कि यहाँ से सी फाइव आप मॉलिक्यूल पर अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 and 5, और यहां से जब आप इस पर क्या करेंगे C5 अप्लाई करेंगे, पहले C5 अप्लाई करेंगे ठीक है, या फिर C5 अप्लाई करना नहीं, आप ये कह सकते हो कि यहां से मॉलिक्यूल को सीधा कितना आपका बेसिकली एंगल कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली इसका कितना एंगल हो जाएगा 72 डिग्री। तो 72 डिग्री आप मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे ही मॉलिक्यूल को 72 डिग्री रोटेट किया जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर जो बनकर आएगा बेसिकली वो कैसा स्ट्रक्चर बनकर आएगा आपके सामने, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 and 5। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है इसमें आपको, अगला स्टेप इसमें आपको करना है परपेंडिकुलर सिग्मा प्लेन। तो परपेंडिकुलर सिग्मा प्लेन डालेंगे तो C5 आपने यहां से डाली तो परपेंडिकुलर सिग्मा ये, तो उससे जो स्ट्रक्चर मिलेगा बेसिकली आपका वो कुछ इस तरीके का मिलकर आएगा आपके सामने, और यहां पर 1, 2, 3, 4 and 5। अब जरा मैं इन स्ट्रक्चर्स के नेम दे देता हूं, अगर ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है और ये स्ट्रक्चर आपका सी है, तो ए और बी आपस में क्या है बिल्कुल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो भी ये सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है ये इंडिविजुअल सिमेट्री ऑपरेशन की तरीके बिहेव कर रहा है, और ये वाला सिग्मा प्लेन भी इसके बराबर है, तो ये वाला सिग्मा प्लेन भी क्या है इंडिविजुअल सिमेट्री ऑपरेशन की तरीके बिहेव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अब आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं आप कि आपके पास SN मॉलिक्यूल में जब नंबर SN आपका क्या होगा ऑड होगा तो उस केस में आपका ये CN, आपका उस समय में ये CN और ये सिग्मा दोनों इंडिविजुअल सिमेट्री ऑपरेशन का काम करेंगे, ये होंगे ही होंगे, जबकि आपका जब ये N इवन था तो ये कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं थी। आ रही आपको बात समझ में क्लियर, तो ये हमने जो बेसिक बातें थी सारी की सारी, तो अब इसका एक दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसका दूसरा तरीका आपको हेल्प कैसे मिलेगी, इसकी हेल्प बता चुका हूं कि इसकी रिक्वायरमेंट इसकी हेल्प कैसे मिलेगी। इस वाले केस में आपको क्या चेक करना है कि जब भी आपके पास C3 प्रेजेंट होगा ठीक है, जब भी आपके पास ये n नंबर जो है ऑड है, तो ऑड होने पर कौन कौन से आपके पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशंस प्रेजेंट होंगे। अब आप क्वेश्चन देख के डायरेक्टली चेक कर पाओगे अपने क्वेश्चंस को देखे, क्योंकि डायरेक्टली पूछता भी है आपसे और कभी कभी पॉइंट ग्रुप निकालने में भी ये बात आपसे हेल्प करती है। कभी भी आपके पास CN प्रेजेंट हो, कभी भी आपके पास CN प्रेजेंट हो, तो CN प्रेजेंट होने पर दो केसेस हो सकते हैं क्या, एक तो बेसिकली S2N प्रेजेंट हो सकता है, S2N प्रेजेंट हो सकता है, दूसरा क्या प्रेजेंट हो सकता है SN/2 प्रेजेंट हो सकता है, और तीसरा तो आप समझ गए होंगे क्या SN प्रेजेंट हो सकता है। तो बस यही तीन आपको हमेशा चेक करने होते हैं, इसके अलावा उस मॉलिक्यूल में और कोई सा भी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको चेक नहीं करना होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं एग्जाम्पल में आपसे पूछ लूं, एग्जाम्पल आपसे पूछूं कि किसी मॉलिक्यूल में मान लो C2 अवेलेबल है, तो C2 अवेलेबल है तो उसमें क्या क्या हो सकता है जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला इंप्रॉपर रोटेशनल एक्सिस हो सकता है S2, सबसे पहला तो S2 ही हो गया। दूसरा क्या हो सकता है S4 हो सकता है उस मॉलिक्यूल में, क्योंकि S4 के साथ C2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप S2 भी चेक कर सकते हैं, S4 भी चेक कर सकते हैं और S1 चेक कर सकते हैं। बस इसके अलावा और कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन अवेलेबल नहीं होगा। S1 बेसिकली क्या है, S1 कुछ नहीं है सिग्मा प्लेन है। S1 क्या होता है सिग्मा प्लेन होता है, कैसे
क्योंकि आप मॉलिक्यूल को क्या करें, S1 का मतलब है 360 डिग्री घुमाया जा रहा है, S1 का मतलब घुमाया नहीं जा रहा, किसी भी एंगल में नहीं घुमाया जा रहा, मॉलिक्यूल जैसा था उसको वैसा ही छोड़ दिया गया। तो आप एक्सिस ये डाल रहे हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल में एक प्लेन डाल दे रहे हैं आप। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, प्लेन ही डाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। समझ में आई बात आपको? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 360 डिग्री घुमा रहे हैं, या फिर आप ये कहिए कि घुमा ही नहीं रहे हैं, एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि दोबारा 360 घुमाने के बाद मॉलिक्यूल फिर वैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा है। और S2 क्या है, S2 हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, S2 क्या है आपका, इन्वर्जन है। इसी तरीके से और देख सकते हैं इसको, और थोड़ा आगे समझ लो, अगर मॉलिक्यूल में आपके पास, अगर किसी मॉलिक्यूल में आपके पास मान लो S5 प्रेजेंट है, तो S5 सॉरी C5 प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, C5 प्रेजेंट है, तो C5 प्रेजेंट होगा तो उस पे क्या हो सकता है, S5 हो सकता है, S5 हो सकता है। अब इसके बाद इसमें S10 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, S10 भी हो सकता है, लेकिन N by 2 तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है सिर्फ ये दो चीजें आपको चेक करनी है, क्या कि S5 और S10 प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। बस बिल्कुल आसान सी बात है, आपको पता चल जाएगा कि आपके मॉलिक्यूल में कौन कौन से इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, क्योंकि हमें यही ढूंढने में क्या होती है, मॉलिक्यूल में हमें यही ढूंढने में दिक्कत होती है कि किसमें कौन सा एस प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये देख कर हमें समझ में नहीं आता है। जब तक मॉलिक्यूल को घुमाओगे, तो आप किसी मॉलिक्यूल को घुमाकर उसको चेक करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं किसमें कौन सी इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, S1 चेक करेंगे, S2 चेक करेंगे, S3 चेक करेंगे, S4 चेक करेंगे, S5 चेक करेंगे। और लेकिन मैं अगर आपसे बता दूं कि आपको सिर्फ S3 और S5 ही चेक करनी है, तो कहानी आसान हो जाएगी ना। और वो कहानी हम समझे कहां से, वो कहानी हमने जनरलाइजेशंस निकाले अपने प्रीवियस सारी की सारी जो स्टडी करी इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी कांसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हमें आगे बढ़ना है और देखना है कि सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं कि हमारे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितने बन सकते हैं। तो अगला, अगर आप हेडिंग डाल सकते हैं क्या कि सिमेट्री ऑपरेशंस, सिमेट्री ऑपरेशंस जनरेटेड बाय इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम लोगों ने डिटेल वाइज तो पढ़ी लिया है, वन बाई वन निकालना तो हम लोग सीख ही गए हैं, लेकिन भाई बस इसके बारे में एक दो पॉइंट्स और हैं, वो मैं आपको और ऐड करा दे रहा हूँ। देखो, अगर बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो यहाँ तक एक पॉइंट पढ़ा है उसमें एस इवन और ऑड के आधार पर हम लोग कुछ डायरेक्ट पॉइंट सीख रहे हैं, तो उसमें ही एक अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपका एस एन में, अगर आपका एन जो नंबर है वो कैसा हो, इवन हो, तो फिर कितने सिमेट्री ऑपरेशन जनरेट करेगा ये आपका इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर ये आपका एन क्या है, ऑड है, तो ऑड के केस में कितने सिमेट्री ऑपरेशन जनरेट करेगा, ये बात हमें समझनी है। ठीक है, तो जब आपका ये नंबर एन क्या होता है, ऑड होता है, जब ये नंबर आपका एन क्या होता है, ऑड होता है, तो इस ऑड वाले केस में, ऑड वाले स्पेशल केस में आपके जो टोटल सिमेट्री ऑपरेशन जनरेट करता है एक सिमेट्री इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कितने होते हैं, 2n ऑपरेशंस होते हैं। कितने होते हैं भाई, 2n ऑपरेशंस होते हैं। तो इस पॉइंट को आप अलग से नोट कर सकते हैं, डायरेक्टली कहीं पर आपसे पूछ भी सकता है कि S3 कितने नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस जनरेट कर सकता है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि अगर वो S3 है तो वो 6 ऑपरेशंस जनरेट करेगा। प्लस यहां पर आपको एक बात ध्यान में क्या रखनी है कि यहां पर जो ये ऑपरेशंस हैं, इस ऑपरेशन में E इंक्लूडेड है। क्या है, E इंक्लूडेड है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपका E ऑपरेशन इंक्लूडेड है। मतलब कि आपके बस के लिए अगर मैं S3 बोल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं S3 6 तक, बेसिकली कहां तक जा रहा हूं, S3 6 तक जाना पड़ेगा। अब ये क्यों जाना पड़ेगा, अभी मैं दिखाता हूं, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक आपको 6 ऑपरेशन तभी होंगे। और S3 6 बेसिकली होगा क्या, जरा इसको आप ओपन करके लिख कर देखिए, तो आपको पता चलेगा क्या, C3 6 into sigma 6। अब बेसिकली ये S3 3 में E नहीं बन रहा था, S3 3 अगर आप चेक करेंगे तो S3 3 के केस में E क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये बनेगा C3 3 into sigma 3, और C3 3 क्या हो जाएगा आपका बेसिकली E हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। लेकिन 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 यहां पर आपके पास जो ये सिग्मा 3 होगा, ये क्या बनेगा, सिग्मा बनकर आएगा। ठीक है, तो यही हम करते थे कि हम अपने सिमेट्री ऑपरेशन को तब तक अप्लाई करते हैं जब तक E ना मिल जाए। तो E जो हमारा मिलेगा वो बेसिकली कब मिलेगा, जब हम लोग S3 6 में पहुंच जाएंगे, दो बार अप्लाई करेंगे। तो ये N था, ये क्या था, N था, तो हमें कितनी बार अप्लाई करना पड़ रहा है, 2N टाइम्स अप्लाई करना पड़ रहा है। ये बात क्लियरली समझ में आई। तो यहां पर इसको अगर आप ध्यान से देखें तो C3 6 आपका बेसिकली यही हो गया, ये क्या हो गया, C3 6 आपका किस टाइप का है, ये CN 2N टाइप का। तो CN N हो, 2N हो, 3N हो, सारे केसेस में क्या हो जाता है, वो E हो जाता है। तो इसका मतलब
ये क्या हो गया आपका E हो गया, और यहाँ पर सिग्मा इवन है तो ये भी E हो गया, तो इसका मतलब टोटल क्या आएगा ऑपरेशन E आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो ये E इंक्लूडेड है इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आपसे जब भी पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि E इंक्लूडेड इंक्लूजन रखना है या फिर E को इंक्लूड नहीं रखना है, ठीक है। और अगर आपका S इवन होगा, अगर N आपका क्या होगा इवन होगा, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके N ऑपरेशंस ही जनरेट होंगे। बोलिए भाई ये बात क्लियर है आप सबको समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, क्योंकि देखो इस एस एन वाले को केस को एस एन वाले को केस में आप अप्लाई करके देख चुके हो S6 हमने पूरा ओपन करके पढ़ा था ना, तो S6 के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं, इसलिए हम लोग अब कह सकते हैं कि अब हमारा जाकर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पूरा का पूरा अच्छे से खत्म हो गया। तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में बस इतने ही पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, हम लोगों ने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सिमेट्री ऑपरेशन की तरफ, जिसका नाम है, जिसकी हेडिंग आप डाल सकते हो, उसका नाम क्या है आपका, इन्वर्जन सेंटर या फिर इन्वर्जन सेंटर एंड इन्वर्जन। तो आप ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर दो चीजें हमेशा लिखता हूं, जब भी हेडिंग लिखते हैं हम लोग दो चीजें हमेशा लिखते हैं, जैसे लिख रहे थे ना कि रिफ्लेक्शन प्लेन एंड रिफ्लेक्शन, तो यहां पर आपका बेसिकली इन्वर्जन सेंटर क्या है, ये एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी है, क्या है, ज्योमेट्रिकल एंटिटी है जो कि बेसिकली क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका सिमेट्री एलिमेंट, ये क्या है, सिमेट्री एलिमेंट है और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपके आई से, ठीक है। और इन्वर्जन बेसिकली क्या है, ये क्या है आपका बेसिकली, ये है आपका एक ऑपरेशन या फिर जिसको मैं लिख सकता हूं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अब उसको डिटेल वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, ये है आपका क्या, सिमेट्री ऑपरेशन, ये क्या है आपका, सिमेट्री ऑपरेशन। तो सिमेट्री ऑपरेशन का मतलब हो गया कि इन्वर्जन सेंटर जब अप्लाई किया जाएगा, जब इन्वर्जन किसी मॉलिक्यूल में अप्लाई किया जाएगा तो आफ्टर द इन्वर्जन और बिफोर द इन्वर्जन द कॉन्फिगरेशन दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सिमेट्री ऑपरेशन है, और इसे भी जनरेट किया जाता है आपके आई से, ठीक है। तो इसका मतलब काम क्या होता है, कैसे हम लोग सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपके पास एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में उसके सेंटर से तो ये जो आपका ज्योमेट्रिकल एंटिटी है, इसके बारे में सबसे पहली बात, ये जो आपकी ज्योमेट्रिकल एंटिटी है, ये ज्योमेट्रिकल एंटिटी आपके विद इन द मॉलिक्यूल होती है, या फिर कह सकते हो सेंटर एट द मॉलिक्यूल होती है, सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल होती है, मैक्सिमम केसेस में आपके सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल ही दिखेगी, ठीक है, सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी। किसी मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ, जहां पर सेंटर ऑफ मास अधिकतर होता है, या फिर जो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के स्पेस का जो सेंटर होता है, अगर उस सेंटर से उस मॉलिक्यूल के स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई एक पॉइंट लिया जाए और उसको क्या किया जाए, सीधा सेंटर पर एक परपेंडिकुलर डाले, उस पॉइंट से सीधा सेंटर पर एक परपेंडिकुलर डाले और उस परपेंडिकुलर को क्या करें, सेंटर से एलोंगेटेड आगे और बढ़ा दें। कितनी डिस्टेंस बढ़ाना है, जितनी डिस्टेंस वो पॉइंट आपका सेंटर से जितना दूर रहा होगा उतना ही उसे सेंटर के दूसरी तरफ 180 डिग्री पर क्या करना है, पहुंचा देना। तो इस तरीके से अगर आप मॉलिक्यूल के सारे पॉइंट्स को, जितने भी उसके पास पॉइंट्स अवेलेबल है, ठीक है, हाफ ऑफ देम अप्लाई करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा हाफ ऑफ देम में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ऑफ देम अप्लाई करोगे तो इधर जाएंगे और इधर वाले जो हाफ ऑफ देम होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, उधर करना पड़ेगा, मतलब कि सारे के सारे पॉइंट्स को सेंटर से क्या कर देना, उस साइड रिफ्लेक्ट कर देना है, उधर वाले पॉइंट को इधर रिफ्लेक्ट कर देना है सेंटर ऑफ पॉइंट्स के। अब जैसे यहां पर ये पॉइंट है तो ध्यान रखिएगा रिफ्लेक्शन नहीं है, यहां पर इन्वर्जन किया जा रहा है, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ये एक पॉइंट प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट से सीधा जो मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन है सेंटर पर वो लाइन खींचनी है, जो कि आप बेसिकली परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, और फिर क्या करना है, जितनी डिस्टेंस ये अगर आर थी तो उसे और आगे 180 डिग्री पर आर पर ही क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो इस तरीके से आपके जो ये पूरा ये ऑपरेशन जो होता है, इस ऑपरेशन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑपरेशन, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन की कैटेगरी में तब आएगा जब आपका इनिशियल जो कॉन्फ़िगरेशन है और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों क्या हो जाए, इक्विवेलेंट या फिर आइडेंटिकल हमें मिले। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर PTCl4 को देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर क्या देखा जाए, PTCl4 को देखा जाए, तो PTCl4 का स्ट्रक्चर देखिए, प्लेटिनम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये आपकी चार क्लोरीन आ गई आपके सामने बनकर, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली क्या करना है, प्लेनर स्ट्रक्चर है ये,
बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है। तो आपको ये सेंटर क्या है, प्लेटिनम एटम है, तो ये तो सेंटर वाला पॉइंट होगा, ये मूव नहीं होगा। सेंटर वाला पॉइंट जिस सेंटर पर ये अप्लाई किया जाता है, वहां पर अगर कोई मॉलिक्यूल है, वहां पर अगर कोई एटम है, तो वो एटम मूव नहीं करेगा, इट विल नॉट मूव। ठीक है, सिर्फ वही मूव नहीं करेगा, इसके अलावा सारे के सारे मूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपको क्या करना है कि इस एटम को सेंटर से यहां पर रिफ्लेक्ट कर देना है। तो अगर आप इसे नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3, 4, तो आफ्टर अप्लाइंग द इन्वर्जन ऑपरेशन द स्ट्रक्चर विल बी लाइक प्लेटिनम, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये तो आप जरा देख लीजिए यहां पर क्या क्या नंबरिंग हो जाएगी। यहां पर आ जाएगी 1, यहां पर आ जाएगी 3, और यहां पर आ जाएगी 2, और यहां पर आ जाएगी 4। तो ये होगा आपका इन्वर्जन, बहुत ही वेल नोन ऑपरेशन है। ठीक है, इन्वर्जन सेंटर हर जगह हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी ये ऑपरेशंस है ना, इन ऑपरेशंस को चेक किया जाएगा कि किस सिमेट्री एलिमेंट में, किस हमारे गिवन आइडेंटिटी में, किस हमारे गिवन ऑर्बिटल में इन्वर्जन सेंटर अवेलेबल है या नहीं है, किस हमारे ऑर्बिटल में S4 अवेलेबल है, किस ऑर्बिटल में हमारी C3 अवेलेबल है। उसके आधार पर हमने अपने ऑर्बिटल्स की सिमेट्री को क्या करेंगे, अलग अलग सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स को अलग अलग कंसिडर करेंगे। और फिर जैसे कि हमने देखा है कि जब भी कोई दो ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर दो चीजें कंसीडर की जाती हैं, क्या, एक तो उनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, क्या एनर्जी गैप होता है भाई, और दूसरा जो यहां पर टर्म होता है वो क्या होता है, दूसरा टर्म होता है आपका सिमेट्री। तो सिमेट्री कैसे चेक करी जाती है, सिमेट्री चेक करी जाती है कैसे, इन्हीं सिमेट्री एलिमेंट्स के आधार पर। ये चीजें भी आगे हम धीरे-धीरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, इनिशियल स्ट्रक्चर और फाइनल स्ट्रक्चर जो इसका मिलकर आया, वो दोनों क्या है, आपके इक्विवेलेंट है। कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, इसका मतलब है कि PtCl4 में आपका इन्वर्जन सेंटर अप्लाई है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, दिस ऑपरेशन इज प्रेजेंट इन PtCl4 मॉलिक्यूल। बोलिए, ये बात आप सभी को क्लियर समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जरा आप ध्यान से देखिए, कई बार ऐसे स्ट्रक्चर भी हमारे सामने आते हैं जहां पर हमसे छोटी सी गलतियां होती हैं, क्या, कि हमें स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सिमेट्रिक दिख रहा होगा लेकिन वहां पर इन्वर्जन सेंटर अवेलेबल नहीं होगा। तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर और इन्वर्जन सेंटर में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि आप PtCl4 देखते ही कहेंगे अरे ये तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं BF3 मॉलिक्यूल, क्या बोल दूं भाई, BF3 मॉलिक्यूल, तो BF3 मॉलिक्यूल भी आपको बहुत सिमेट्रिक होता है, बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पर इन्वर्जन सेंटर अवेलेबल नहीं होता है। यहां पर प्लेटिनम आ गया, ये प्लेटिनम ब्लू, ये आ गया, ये आ गया। तो अगर आप इस पे इन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो ये फ्लोरीन इन्वर्ट होकर कहां जाएगी, सेंटर ऑफ पॉइंट से यहां पर आकर जाएगी, और यहां पर दूसरी फ्लोरीन नहीं है जिससे उसका इक्विवेलेंट ओवरलैप हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इन्वर्जन सेंटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनमें हाई सिमेट्री अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर इन्वर्जन सेंटर अवेलेबल नहीं है। इसी की तरीके का एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आप फॉर ग्रांटेड ना ले लें इन्वर्जन सेंटर को। कई बार जैसे अगर मैं आपसे डायरेक्टली कह दूं कि PtCl5, तो PCl5 में इन्वर्जन सेंटर अवेलेबल है या नहीं, स्ट्रक्चर को देखेंगे, आपको पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर काफी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, काफी सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती है इसकी, लेकिन यहां पर भी आपका इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है। जरा इस स्ट्रक्चर को बनाकर देखेंगे आप, तो आपको पता है प्लेटिनम और 3 आपके ये इक्विवेलेंट बॉन्ड्स, और ये आपका एक, सॉरी, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, और 2 आपके एक्सियल बॉन्ड्स। जरा इसमें देखेंगे तो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर वाला पार्ट है, इसकी वजह से यहां पर इन्वर्जन सेंटर अवेलेबल नहीं होगा। जबकि अगर आप ऑक्टाहेड्रल कोई भी ज्योमेट्री ले लें, तो उसमें इन्वर्जन सेंटर अवेलेबल होगा, उसमें इन्वर्जन सेंटर आपका अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित हमें काफी सारे सवाल अभी करने हैं। ठीक है, वन बाय वन हम उन सारे क्वेश्चंस पर आएंगे, असाइनमेंट है अपना, वो असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, तो उसे आप असाइनमेंट भी बोल सकते हैं, DP भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। तो ये हो गया अगला ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन के बारे में देखो, ये सब सारी बातें पढ़ ली, हाँ एक बात और बची कि कितने मैक्सिमम आपका सिमेट्री ऑपरेशन जनरेट कर सकता है इन्वर्जन सेंटर। तो आपका एक जो इन्वर्जन सेंटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ऑपरेशन ही जनरेट कर सकता है। 1 ऑपरेशन कैन बी जनरेटेड, ओनली 1 ऑपरेशन कैन बी जनरेटेड हियर, बिकॉज अगर एक बार इस पे इन्वर्जन सेंटर अप्लाई करोगे, दोबारा अप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, सेम भाई और स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा हमें। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मिल जाएगा, हर दूसरे स्टेप में आइडेंटिटी मिल जाएगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिमेट्री ऑपरेशन ही अवेलेबल होता है इन्वर्जन सेंटर में, जैसे कि आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री में अवेलेबल है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर, ये 2 ऐसे ऑपरेशन है, 2 सिमेट्री एलिमेंट्स या फिर ऐसे सिमेट्री ऑपरेशन है जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ऑपरेशन ही जनरेट किए जाते हैं। इसके आगे
हमारा जो अगला सिमेट्री ऑपरेशन है वो जैसे कि हमने बताया कि ग्रुप थ्री की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है आपका आइडेंटिटी ऑपरेशन, आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो इसकी भी हेडिंग डाल लीजिए फटाफट अगर आप नोट्स बना रहे हैं लगातार। तो आइडेंटिटी ऑपरेशन इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और जहां पर कुछ ना हो वहां पर हमारे आइडेंटिटी बाबा होते हैं। तो ये हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक है, हर मॉलिक्यूल मिलेंगे, ना कुछ चेक करना है ना कुछ करना है, बस बैठे बैठे एकदम से जादू हो जाएगा और आपका आइडेंटिटी ऑपरेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ आपका नया कुछ नहीं है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है हर मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी ऑपरेशन प्रेजेंट होता है। ये एक्चुअली इस ऑपरेशन को और ये कोई किसी तरीके का आइडेंटिटी ज्योमेट्री ज्योमेट्रिकल एंटिटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये बस एक रिक्वायरमेंट है आपकी ग्रुप थ्योरी में आपके ग्रुप को पूरा करने के लिए। अब देखो ये कहता क्या है आइडेंटिटी ऑपरेशन, ये कहता है कि अगर ये आपका PTCl4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये क्या कहता है आपसे, अगर ये आपका PTCl4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर ये आपका, अभी देखो ये पीछे वाला जो पार्ट रह गया है ये वाला इन्वर्जन सेंटर, अभी हम इसके असाइनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन्वर्जन सेंटर निकालना भी आपसे गलती हो सकती है जैसे कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाया, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, PTCl4 मॉलिक्यूल में ये कहता क्या है कि ऑपरेशन, ये हमसे कहता है कि अगर इसमें कुछ ना किया जाए, कि जैसा का है वैसा का वैसा ही यहाँ पर रख दिया जाए, तो ऐसे रखने पर इसके लिए क्या होगा, ये देखिए जरा, ऐसे रखने पर ये स्ट्रक्चर यहां से यहां जो हम लोग गए इसे हम लोग कहेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेशन है और यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। बस इस स्ट्रक्चर को कॉपी किया, इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर को कॉपी किया और इसके बाद अब इससे ये निकाला, ये आ गया आपका आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये सारे के सारे क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेशन है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेशन कहलाता है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी ऑपरेशन के बारे में और ये भी सिर्फ और सिर्फ एक ज्योमेट्री एक सिमेट्री ऑपरेशन ही अप्लाई करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई दूसरा सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता है। तो आपके जो सिमेट्री ऑपरेशंस थे बेसिकली उन सिमेट्री ऑपरेशंस में अब एक बात आप समझ गए होंगे क्या, कि आपका ई है, आई है, सिग्मा है, सी एन है और SN है। सिर्फ और सिर्फ यही पांच सिमेट्री ऑपरेशन से सारे के सारे हमारे जितने भी ज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक जितने भी हमारे केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं, वो सब यहीं से हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपका, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं मैं सब कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई जनरेट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिमेट्री ऑपरेशन जनरेट करता है, ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिमेट्री ऑपरेशन जनरेट करता है और ये सी एन बेसिकली एन माइनस वन सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई जनरेट करता है जहां पर E एक्सक्लूडेड होता है। क्या होता है, E एक्सक्लूडेड होता है और यहां पर आपका जो SN है, SN में N अगर आपका इवन है, N अगर आपका क्या है इवन है भाई, तो क्या हो जाएंगे, कहां कितने ऑपरेशंस हो जाएंगे, N ऑपरेशंस हो जाएंगे, N ऑपरेशंस हो जाएंगे और ये N ऑपरेशंस में E क्या है, इंक्लूडेड है, E क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर आपका ये N में N क्या है, ऑड है, N क्या है भाई, ऑड है, तो इस केस में आपके 2n ऑपरेशंस होंगे और यहां पर भी e क्या है आपका, इंक्लूडेड है। तो ये थी हमारी सारी की सारी कहानी सिमेट्री ऑपरेशंस की। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अब अगला जो हमारा चैप्टर का पार्ट आने वाला है वो पार्ट क्या है, कि वो हमारा पार्ट है कि बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। तो हेडिंग डाल लीजिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, या फिर जिन्हें हम कॉम्बिनेशन कहना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये नहीं कि दोनों का आपस में बस गुणा कर दिया जा रहा है, मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। तो जरा ध्यान से समझते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, अगला जो पार्ट है आपका क्या है, मैं हेडिंग डालता हूँ क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। तो कॉम्बिनेशन से मतलब क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन। कॉम्बिनेशन से मतलब क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन से मतलब है। तो ये आप हेडिंग डाल लें और इस हेडिंग को डालकर हम लोग इसको देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या है। तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है, बस एक आपको प्रोसीजर अप्लाई करना है और इससे भी आपके चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसका भी आगे यूज है और इसे हम लोग और भी आसानी से इसके बाद हमें समझ में आएगा कि हमें सिमेट्री ऑपरेशंस को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। वो बात अभी हम आगे समझेंगे, जरा इस सिमेट्री को मल्टीप्लीकेशन समझते हैं। कई बार हमें कई ऑपरेशंस एक साथ अप्लाई करने को मिलेंगे, तो अगर किन्हीं भी दो सिमेट्री ऑपरेशंस को एक साथ अप्लाई किया जाए किसी पॉइंट पर, किसी मॉलिक्यूल पर, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनको एक साथ अप्लाई करना या फिर किसी तीसरे किसी और उन दोनों को छोड़ के कोई एक और ऑपरेशन
डायरेक्टली उस पॉइंट पर अप्लाई कर दिया है, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं तो उनका प्रोडक्ट उसके इक्वल लिख दिया जाता है। जरा ध्यान समझना क्या कह रहा हूं मैं आपसे। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल ए है और इस पर क्या किया हमने, दो सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किए, CN अप्लाई कर दिया और सिग्मा अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये दो सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर पीछे का किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो जो हमने सिमेट्री ऑपरेशन देखे हैं उनमें से ही किसी को यहां पर अप्लाई करना है हमें। तो दो सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करके हमने इसका ए मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन, मान लीजिए ए डैश कॉन्फिगरेशन में इसको ला दिया। तो अगर कोई भी इस मॉलिक्यूल में ऐसा एक और सिमेट्री ऑपरेशन अवेलेबल हो जो डायरेक्टली इसको यहां से यहां चेंज कर सकता है, मान लो वो सिमेट्री ऑपरेशन है आपका SN, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या कह सकता हूं मैं कह सकता हूं कि इनका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी ही है, ठीक है। इसके अलावा सिमेट्री ऑपरेशन में जो आपका n नंबर था, n sn में जो आपका sn था, एक पॉइंट रह गया sn के लिए, वो नोट कर लीजिए। sn में जैसे हम दो स्टेप ऑपरेशन है ना, टू स्टेप ऑपरेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, cn अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर सिग्मा अप्लाई करते हैं। तो इनके ऑर्डर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इन द केस ऑफ SN, इन द केस ऑफ SN इनके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले चाहें तो सिग प्लेन डाल दीजिए और उसके बाद चाहें तो सिग्मा CN डाल दीजिए, या फिर पहले CN डाल दीजिए या फिर इनको सिग्मा डाल दीजिए। तो ये स्पेशल पॉइंट होता है किसके लिए, SN के लिए। यहां पर किसी भी तरीके का ऑर्डर को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप पहले सिग्मा प्लेन डालें या फिर चाहे पहले आप CN डालें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप कर सकते हैं, इनके ऑर्डर से ऑपरेशन के रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम यहां पर जो ये चीज पढ़ने वाले हैं, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, या फिर आप कॉम्बिनेशन को क्या लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन को लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन बेसिकली क्यों पढ़ना पड़ रहा है, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं ये सिमेट्री ऑपरेशन कभी भी एक दूसरे के साथ जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो। मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, ये बात अभी आपको धीरे से समझ में आएगी। बात ऐसी है कि ऐसा है, अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक सिग्मा एक्स वाई प्लेन डाला, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में, और सिग्मा एक्स वाई प्लेन को सिग्मा वाई जेड पर डाला, तो अगर इनके ऑर्डर को मैं आपस में चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पर पहले लिख दूं सिग्मा वाई जेड एंड देन सिग्मा एक्स वाई, तो यहां पर इससे जो रिजल्ट आएगा और इससे जो रिजल्ट आएगा, जरूरी नहीं है, इससे जो रिजल्ट आएगा ये जरूरी नहीं है कि आपस में सेम हो, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस को पहले समझना पड़ता है, पहले ये समझना पड़ता है कि इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं कि दो सिमेट्री ऑपरेशन को मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आता है और कैसे ये प्रोसीजर हमें अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा पॉइंट है, आप अपने मॉलिक्यूल को या फिर आप अपने किसी एक, ये समझिए कि आपको वो सिमेट्री ऑपरेशन किसी एक पॉइंट पर अप्लाई करना है और उस पॉइंट के इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के बाद उनके बीच में जो रिलेशन है वो आपको चेक करना है। तो जरा ध्यान से देखिए आप यहाँ पर, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास आपसे लिखकर आया कि सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा वाई जेड, सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा वाई जेड का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसके मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या नया सिमेट्री ऑपरेशन मिलेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, ये काफी सवाल आपके पूछे जाते हैं। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग इसको, ये एक तरीके का ऑपरेशन है, ये क्या है, एक तरीके का ऑपरेशन है, आपको समझ में आ गया। एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे या फिर कंबाइन करोगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, दो फंक्शंस को जोड़कर एक नया फंक्शन बना दे रहे हो। अब इस फंक्शन को जब भी आप किसी मॉलिक्यूल पर अप्लाई करोगे, तो मान लो अगर मैं इसको fx कह दे रहा हूं, ठीक है, तो आप इस fx को किसी ना किसी मॉलिक्यूल पर ऐसे अप्लाई करोगे ना, मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लोगे अपने राइट साइड में और कहोगे कि ये फंक्शन इस पर अप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब पहले कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ, पहले फंक्शन अप्लाई होगा जो आपके राइट साइड में अप्लाई होगा, एंड देन वी विल अप्लाई द लेफ्ट वन। क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर अगर ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान है। ये आपके पास बेसिकली पॉइंट आ गया ऐसे, आप एक बॉक्स बना लीजिए इस तरह का, ये बॉक्स बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये वाली जो एक्सिस है ये आपकी एक्स एक्सिस दिखा रही है आपको, ये वाली जो एक्सिस है आपको क्या दिखा रही है, वाई एक्सिस आपको दिखा रही है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इसमें बनाना है आपको एक पॉइंट, ये है आपका एक पॉइंट, ये क्या बना दिया आपने, एक पॉइंट यहाँ पर बना दिया। अब जरा ध्यान समझिएगा इस प्रोसीजर में, अगर मैं ये ऐसे पॉइंट बनाता हूं, इस पॉइंट का मतलब है ये पॉइंट आपका अबव द प्लेन प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है,
अबव द प्लेन, ये पॉइंट आपका प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं इस बोर्ड को प्लेन मानता हूं तो इसका मतलब बोर्ड के बाहर यहां पर कहीं पर वो पॉइंट प्रेजेंट है। क्लियर हो गई ये बात आप सभी को? और अगर मैं कहीं पर ये एक्स बनाऊंगा, इसे क्रॉस बनाऊंगा, तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट उसी जगह पर बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन है, वो क्या है उसी प्लेन पर जहां पर मैंने वो क्रॉस बना रखा है वो उसी जगह कहां पर है, बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। मतलब कि अगर ये मेरा हाथ ये प्लेन है मान लीजिए, तो अगर मैंने पॉइंट बनाया तो ये ऊपर है, यहां पर ऊपर है इस जगह पर, ठीक है, और अगर मैंने क्रॉस बनाया तो ये इसके पीछे है, यहां पर इस जगह पर पीछे, ठीक है। बस ये एक तरीका है समझने का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बस अप्लाई कर देना है अपने सिमेट्री ऑपरेशन को, और जैसा कि मैंने आपसे कहा इनिशियल और फाइनल कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस पॉइंट आपको कंपेयर करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आप इसमें अप्लाई करेंगे सिग्मा वाई जेड, सिग्मा वाई जेड अप्लाई करिए। तो आपको एक्सिस यही रखनी, ये एक्स और ये वाई, ये रखने से आपको सवाल में करने में आसानी होगी, अप्रोच में कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बाकी आप इन एक्सिस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्स वाई एक्सिस प्लेन है, आप अपने कौन सा प्लेन डाला, सिग्मा वाई जेड। तो जेड एक्सिस कौन सी है, ये जो आपके बाहर की तरफ आ रही है, तो जेड एक्सिस ये हो गई, और y वाली एक्सिस ही है, तो z एक्सिस और y एक्सिस को कंटेन करता हुआ जो आपका प्लेन है y z प्लेन, वो ये प्लेन है। अगर आप ऐसे रिफ्लेक्शन डालेंगे तो रिफ्लेक्शन डालने से क्या होगा, ये पॉइंट यहां पर ऊपर है तो ये ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका पॉइंट होगा वो यहां पर आ जाएगा, इस जगह अबव द प्लेन पॉइंट आपका आ गया। बोला भाई इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, बिल्कुल समझ में आ गया, यहाँ पर ये अबव द प्लेन पॉइंट था, यहाँ पर प्लेन डाला तो ये अबव द प्लेन पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में सेकंड ऑपरेशन डाल दीजिए। सेकंड ऑपरेशन आपसे क्या कह रहा है, सेकंड ऑपरेशन कह रहा है कि आपसे सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई बेसिकली क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। इसका मतलब आपको क्या करना है, ये वाला प्लेन डाल देना, तो ये पॉइंट जो अबव द प्लेन पॉइंट है वो कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। तो यहां पर ये क्या आ गया, सिग्मा एक्स वाई डालने से आपको जो नया कॉन्फिगरेशन बनकर आया इस पॉइंट का, वो कहां बनकर आया, इस जगह एक्स पर बनकर आ गया। बोलो इतनी बात आप सभी को क्लियर समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ही बार अगर आप समझ गए ध्यान से तो फिर आगे आप कभी भी इन क्वेश्चंस में ये जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं वो आपके पक्के ही हो जाएंगे, और इसके अलावा भी ये पॉइंट आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यहां पर एक पॉइंट था, पॉइंट में सिग्मा वाई जेड डाला, तो आपको वाई जेड देखा, आपने ये एक्स एक्सिस मान रखी है, वाई मान रखी है, एक्स वाई जेड आपका प्लेन ये हुआ, ये पॉइंट ऊपर था अबव द प्लेन, ठीक है, तो यहां से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन होकर अबव द प्लेन से अबव द प्लेन ही रहा, तो आपका ये पॉइंट बनकर आया। अब सिग्मा एक्स वाई इसमें डालो, सिग्मा एक्स वाई ये बोर्ड वाला प्लेन है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स, तो प्लेन ये वाला होगा, इसका मतलब ये अबव द प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर पीछे चला गया, तो यहां पर आ गया। अब ये आपकी है वाई एक्सिस और ये है आपकी एक्स एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखो, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो थी, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये थी, कहाँ थी, ये थी, यहाँ पर आपका अबव द प्लेन, आपका ये एक्स है और ये वाई है। अब बताओ इससे क्या डायरेक्टली इसको किसी तरीके से डायरेक्ट चेंज किया जा सकता है, क्या कोई डायरेक्ट तरीका है जिससे इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ अप्लाई कर दिया जाए। तो जरा अगर मैं ध्यान से आपसे देखूँ और देखूँ, अगर आप कई लोग आपको बैठ के बोल भी रहे होंगे कौन सा सही तरीका है, अगर ये वाली जो एक्सिस है आपकी वाई एक्सिस, अगर मैं इस वाई एक्सिस के अलोंग इस मॉलिक्यूल पर सी टू अप्लाई कर दूं, और इस सी टू की जो एक्सिस है वो क्या है, सी टू वाई है, तो इसे बोलूंगा सी टू वाई। अगर मैं सी टू वाई अप्लाई कर दूं, तो देखो जरा यहां पर ये पॉइंट जो अबव द प्लेन है, सी टू वाई अप्लाई करने से क्या होगा, अबव द प्लेन घूमकर यहां पर बिलो द प्लेन चला जाएगा, तो यहीं तो पहुंचाना है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर सी टू वाई अप्लाई कर दूंगा तो सी टू वाई अप्लाई करने से ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो ये सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई जेड का जो प्रोडक्ट आया, इसका जो प्रोडक्ट आया भाई, वो प्रोडक्ट क्या आया, वो प्रोडक्ट आया आपका सी टू वाई। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दी सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। बोलिए भाई इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी होपफुली। चलिए अब कुछ और सवालों को साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी पर आधारित कुछ सवाल हैं हमारे सामने, उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग अपनी पहली डीपीपी सॉल्व करेंगे, या फिर जिसे असाइनमेंट आप कह सकते हैं। तो आपका ये देखो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ था और आगे भी आएगा, तो 4 नंबर का सवाल है। देखो बिल्कुल आसान सा, यही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। आप एक ऐसे फटाफट इसको बना लीजिए, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, और आपको पहले कौन सा
अप्लाई करना है सिमेट्री ऑपरेशन जो राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिया ऐसे अबव द प्लेन, अबव द प्लेन से स्टार्ट करा करिएगा तो आसानी रहेगी जिंदगी में। सी टू वाई आपने अप्लाई किया यहाँ पर, तो सी टू वाई का मतलब क्या हुआ कि इस एक्सिस के अलोंग सी टू वाई जो लास्ट वाले ऑपरेशन में किया, तो कुल मिला के यहाँ ऊपर वाला पॉइंट घूम कर कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 180 डिग्री घुमाते हैं, तो ऊपर वाला पॉइंट इसलिए पीछे चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगला जो आपका ये सर्कल बनकर आएगा यहाँ पर ये पॉइंट कुछ इस जगह पर पहुंच जाएगा। बोलिए भाई, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे जाकर जहां से स्टार्ट करके समझाया वहां से दोबारा जरूर देख लेना। अब इसके बाद अगला स्टेप आपको क्या अप्लाई करना है, अगला स्टेप अप्लाई करना है आपको C2X। तो C2X का मतलब क्या हुआ, अब आपको इस एक्सिस के अलोंग इसको 180 डिग्री घुमाना। तो 180 डिग्री घुमाने का मतलब देखो, समझना ध्यान से, ये पीछे की तरफ है, इस एक्सिस के अलावा आप क्या कर रहे हो, इसको घुमाकर ऐसे 180 डिग्री घुमा रहे हो, तो ये पीछे से घूमकर यहां पर इस जगह ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसका मतलब है इस जगह पर अबव द प्लेन आपका पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब हुआ आपका पॉइंट जो होगा वो कुछ इस जगह पर ऐसे अबव द प्लेन आपको दिखेगा। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस एक्स एक्सिस। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इस पॉइंट को डायरेक्टली यहां से ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि अगर आप ये वाला प्लेन डालें एक्स जेड वाला, देखो सॉरी एक्स जेड वाला नहीं, ये हां यहां पर ये पॉइंट है जिसको अबव द प्लेन से इस जगह पहुंचाना है, देखो यहां पर इस जगह तो पहुंचाना है, इस पॉइंट को यहां से यहां पहुंचाना है। तो आप अगर इस जेड एक्सिस को देखें और जेड एक्सिस के अलावा आप सी टू डाल दें, जेड एक्सिस के अलावा क्या डाल दें, सी टू डाल दें, तो सी टू डालने से क्या होगा, ये ऊपर वाला पॉइंट घूमकर इस जगह पर पहुंच जाएगा और आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों ऑपरेशंस को वन बाई वन अप्लाई करें या फिर इस पर डायरेक्टली सी टू जेड अप्लाई कर दें, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते थे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है और ये राइट हैंड साइड, तो अगर ऐसी दो इक्वेशंस हो LHS इक्वल टू RHS, तो यहां पर हम ये नहीं कहते थे कि लेफ्ट हैंड ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, उसी तरीके की कहानी है ये कि अगर दो चीजें अप्लाई करने के बाद एक प्रोडक्ट मिल रहा है और एक डायरेक्टली अप्लाई करने से एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, सी टू जेड होगा। तो देख लीजिए आपका सी टू जेड सी ऑप्शन आपका क्या है, सही होगा, सी ऑप्शन मिल गया, करेक्ट ऑप्शन सी टू जेड आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन इस पर फटाफट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सी टू वाई और सी टू जेड, तो ये सी टू वाई और सी टू जेड आपको खुद अप्लाई करना है, ये आप आसानी से इसको कर सकते हैं, एक तरीके का होमवर्क टाइप का है आपके लिए, ठीक है। अगले बढ़ते हैं और अगला ये देखिए जरा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में अपना असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, सी टू एक्स एंड सिग्मा एक्स जेड, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये पॉइंट बनाइए, यहाँ पर अबव द प्लेन पॉइंट लिया और ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, आपने इस पर अप्लाई किया सिग्मा एक्स जेड, राइट वाला पहले अप्लाई करना है, बस ये ध्यान रखना है ये गलती करी तो आपका सवाल हो जाएगा कलर। तो आपको सिग्मा एक्स जेड जो है आपका प्लेन कौन सा है, ये सिग्मा एक्स जेड प्लेन है, तो सिग्मा एक्स जेड या अबव द प्लेन से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया इस जगह पर, ये आपका अबव द प्लेन पॉइंट आ गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्सिस जरूर लगातार लिख के रखिएगा। अगले स्टेप में क्या करना है, सी टू एक्स अप्लाई करना है, तो इस पे आप जरा अप्लाई कर दीजिए सी टू एक्स, तो सी टू एक्स अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि आपने इस एक्सिस के अलोंग सी टू अप्लाई कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे घूम कर ये पॉइंट ऊपर से पीछे बिलो द प्लेन चला जाएगा, इसका मतलब ये ऐसे आया और यहाँ पर ये आपका बिलो द प्लेन पॉइंट चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर आप डायरेक्टली इससे यहाँ से इसे ऐसे ले जाना चाहें तो आपको पता है अबव द प्लेन को बस बिलो द प्लेन पहुंचाना है, सिग्मा एक्स वाई प्लेन डाल दीजिए और सिग्मा एक्स वाई प्लेन डालेगा तो ये इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करके नीचे पहुंचा देगा, तो इसका मतलब है सिग्मा एक्स वाई, देख लीजिए आपको ऑप्शन ए ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ये ए ऑप्शन आपका हो गया, ठीक है। एक और सवाल है उसे भी चलिए कर लेते हैं, और ये सवाल थोड़ा सा आपका ट्रिकी टाइप का हो जाएगा क्योंकि इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन अप्लाई करना है, जब आपको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन अप्लाई करना हो तब कैसे करते हैं, सवालों को जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है S43, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या S43 को किसी दूसरे सिमेट्री ऑपरेशन से रिलेट किया जा सकता है, जैसे कि अभी हम इससे पहले इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ रहे थे, तो S43 बेसिकली क्या हो जाएगा, C43 इनटू सिग्मा 3, C43 बेसिकली कितने एंगल पर होता है, C43 90 इनटू 270 डिग्री एंगल होगा, और 270 डिग्री एंगल किसी दूसरे CN से ओवरलैप नहीं करता है, ना तो ये C1 से करेगा, ना C2 से करेगा, ना C3 से करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको S43 अप्लाई करना पड़ेगा, तीन बार S43 अप्लाई करना पड़ेगा। तो जरा आप ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस आपको जो प्रोसीजर है बस वही फॉलो करना है। आपके पास ये एक ऐसा सर्कल पॉइंट आया, ठीक है, आपने एक पॉइंट रखा यहाँ पर अबव द प्लेन। अब यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट ये है कि आप ये समझ लो कि ये वाला जो एंगल है आप
इनिशियल पॉइंट 45 डिग्री रख लो, ठीक है। 45 डिग्री रखने से होगा क्या, क्योंकि आपको C4 पहले अप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो आपको इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के बीच में रिलेशन यहां से पता चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, C4 अप्लाई करनी है। तो C4 अप्लाई करने से बेसिकली क्या होगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब हुआ ये घूमकर पॉइंट आ जाएगा यहां पर, इस जगह पर आना चाहिए अबाउट द प्लेन से, अबाउट द प्लेन, ठीक है, क्योंकि आप यहां पर जेड एक्सिस के अलोंग इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको एक्सिस नहीं लिखी है, तो जो आपको आसान एक्सिस पड़े आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपने जेड एक्सिस के अलोंग आपने पहले C4 अप्लाई किया, और उसके बाद क्या होता है, परपेंडिकुलर सिग्मा अप्लाई करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर सिग्मा अप्लाई करोगे तो अबाउट द प्लेन से तुरंत नीचे बिलो द प्लेन चला जाएगा। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि मैंने डायरेक्टली यहां पर S4 अप्लाई किया, और S4 अप्लाई करने से हुआ क्या, ये पॉइंट यहां पर बिलो द प्लेन चला गया, चला गया कि नहीं चला गया। और इसका आप एंगल भी आप बता सकते हो, एंगल कितना है आपका, ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इस पॉइंट को पहले कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, S4 अप्लाई किया। अब इससे ऐसे ही दोबारा S4 अप्लाई करिए, दूसरे टर्म पे जब इस पे आप S4 अप्लाई करेंगे तो आप पहले C4 अप्लाई करना है, आपको ध्यान रखिए। तो C4 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट नीचे है, प्लेन के नीचे, नीचे से इसको घुमा के 90 डिग्री घुमाना है। इसका मतलब है ये यहां से घूमकर इस जगह पर पहुंच जाएगा 90 डिग्री पर, और इसके बाद इस एक्सिस के अलोंग C4 डाली, फिर क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर सिग्मा प्लेन, ये वाला सिग्मा प्लेन डालेंगे। तो सिग्मा प्लेन क्या होगा, ये नीचे से कहां आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो नीचे से ये आपका आ जाएगा ऊपर की तरफ, और आपका जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनकर आएगा ये बेसिकली कुछ इस तरीके से बन के आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा यहां पर ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, आपने यहां से एक और S4 अप्लाई कर दी, या फिर आप डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली यहां पर कह सकते हैं कि यहां से आपने सीधा S4-2 अप्लाई कर दी। लेकिन हमें अप्लाई क्या करना है, S4-3 अप्लाई करना है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, यहां पर आपने क्या किया, फिर से S4 अप्लाई कर दीजिए, सॉरी पहले आप C4 अप्लाई करिए। तो C4 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट यहां पर 45 डिग्री एंगल आपने पहले कंसीडर कर रखा था, ये ऊपर से जाएगा यहां पर इस जगह पर अबाउट द प्लेन, और अबाउट द प्लेन जाने के बाद क्या है, आपने सिग्मा प्लेन डाला, तो सिग्मा प्लेन अबाउट द प्लेन से कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन। इसका मतलब है जो आपका प्लेन, ये पॉइंट का जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनकर आएगा वो कुछ यू बनकर आएगा। तो ये आपका एक और S4 आपने अप्लाई कर दिया। तो कुल मिलाकर आपने क्या किया, यहां से यहां जाने पर आपने अप्लाई किया है S4-3। तो अभी तो आपने सिर्फ S4-3 अप्लाई किया है, अभी क्या बचा है, अभी आपका एक बार S4 और बचा है। तो एक बार और कर देते हैं S4 अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। यहाँ पर जरा इसको ध्यान से देखिए, इस पर S4 एक बार और अप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या करेंगे, इसमें C4 अप्लाई करेंगे। तो C4 अप्लाई करेंगे तो ये यहां से घूमकर कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, और बिलो द प्लेन, फिर सिग्मा डालेंगे तो ये अबव द प्लेन। इसका मतलब जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनकर आएगा, इसमें एक बार आपने फिर से S4 अप्लाई कर दिया, तो आपका जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनकर आएगा वो कहां बनकर आएगा, यहां पर अबव द प्लेन। तो देखो जरा, इसका जो इनिशियल पॉइंट था ये था, और फाइनल पॉइंट भी ये है, तो ये सेम ही है कुल मिला के। तो आइडेंटिटी ऑपरेशन ही बनकर आएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं थी। तो कुल मिला के अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, बात क्या थी अपनी, कि अगर आप S4 अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो इसका C4 और इसका परपेंडिकुलर सिग्मा होता है, इनके ऑर्डर से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कुल मिलाकर अगर आपका S4-3 बार अप्लाई कर दिया और एक बार फिर से अप्लाई कर दिया, तो इसको आप डायरेक्टली कह सकते हो आपने क्या कर दिया, S4-4 अप्लाई कर दिया। तो S4-4 बेसिकली जब आपका इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर में SNN बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे सवाल को भी किया यहाँ पर जिसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो आपको बस एक बात से कुल मिला के, इससे एक बात का हमें भरोसा यहाँ पर ये हो गया कि अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, इस प्रोसीजर को, तो कभी भी आपका इस टाइप का सवाल गलत होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के कितने भी सवाल हैं, इसका एक हमने अलग से असाइनमेंट बना रखा है। इस लेक्चर के बाद उस असाइनमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके, और उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद इन्हीं सिमेट्री ऑपरेशंस को मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कहानी हमारी स्टार्ट होगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।